हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रकाश और आपका स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में ब्लूस्टेक 5 को इंस्टॉल करा होगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके लैपटॉप में या फिर उनके पीसी में ब्लूस्टेक 5 को जब वो ओपन करते हैं, ब्लूस्टेक 5 एज ए स्टॉप वर्किंग या फिर ब्लूस्टेक 5 इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वाले मैसेज आ रहे हैं। अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में ब्लूस्टेक 5 चालू नहीं हो रहा है और ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिसकी मदद से हो सकता है कि आपके लैपटॉप में और पीसी में ब्लूस्टेक 5 चल जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका भी लैपटॉप या फिर पीसी ब्लूस्टेक 5 को सपोर्ट नहीं करता है, उनके लैपटॉप में या फिर पीसी में कुछ भी कर लो, ब्लूस्टेक 5 नहीं चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, जिनके पीसी में अच्छी खासी रैम है और प्रोसेसर है, उनके पीसी में भी दोस्तों ब्लूस्टेक 5 चल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और जो भी लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कमाल के कंटेंट लाता रहता हूं। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अगर आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में ब्लूस्टेक 5 वर्क नहीं कर रहा है या फिर रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। उसे करने के बाद अगर वर्क कर जाए तो अच्छी बात है, अगर वर्क नहीं करता है तो भाई माफ़ कर देना, हो सकता है कि आपका पीसी इसके लिए कैपेबल ना हो। तो अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अगर आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में ब्लूस्टेक 5 वर्क नहीं कर रहा है या फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिसे आप लोग फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, अगर आपका पीसी इसके लिए कैपेबल नहीं है तो कुछ भी कर लो, चलेगा नहीं। लेकिन अगर आपका पीसी इसके लिए कैपेबल होगा तो इन तरीकों को करने के बाद ब्लूस्टेक 5 आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में चल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को ब्लूस्टेक 5 का जो ये लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर आपको कंपैटिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद ये आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसको आपको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके ओके कर देना है और फिर दोस्तों चला के देखना है, चल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो आप लोगों को दोस्तों अभी मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। इसे दोस्तों मैं ओके नहीं करूँगा, इसका रीज़न ये है कि मेरे पीसी में तो सही से चलता है, तो मैं अगर ये करूँगा तो हो सकता है कि और कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर आपके पीसी में चल नहीं रहा तो आप लोग ये तरीका ज़रूर अप्लाई कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये करने के बाद फिर भी ब्लूस्टेक 5 चल नहीं रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है कि आपके पीसी में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि किसी काम के नहीं है, उन्हें आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कैसे करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर आना है और आपको सर्च करना है, कंट्रोल पैनल आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स में आपको क्लिक करना है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपके पीसी में जो भी इंस्टॉलेड फाइल होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, वो आपको दिखाई देंगे। तो इनमें से आप लोगों को उन्हें निकाल देना है जो कि आपके किसी काम के नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर आपके काम के उन्हें आप लोग निकालना मत, ठीक है। तो ये करने के बाद दोस्तों दोबारा से आप लोग ट्राई करिएगा, एक बार पीसी को रिस्टार्ट जरूर कर देना। रिस्टार्ट करने के बाद ट्राई करिएगा, हो सकता है कि ऐसा करने से आपके लैपटॉप में और पीसी में ब्लूस्टेक 5 चल जाए। अगर दोस्तों ये करने के बाद भी नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है कि ब्लूस्टेक 5 को आपको रन कर देना है। रन करने के बाद दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है टास्क मैनेजर, या फिर आप लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबा के भी टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों डिटेल्स में आपको आना है। डिटेल्स में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को HD प्लेयर EXE नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेट प्रायोरिटी को आपको हाई कर देना है। हाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये डिसेबल होगा तो इस पे आपको क्लिक करके, राइट क्लिक करके UAC वर्चुअलाइजेशन पे क्लिक कर देना है और आपको इसे चेंज वर्चुअलाइजेशन पे क्लिक कर देना है, तो ये हो जाएगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको और भी बहुत से ऑप्शन देखने को मिले तो उन्हें आपको कर देना है। फिर आपको दोबारा से अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है ब्लूस्टेक 5 रन करता है कि नहीं। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिसकी मदद से आप लोग अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में ब्लूस्टेक 5 चल नहीं रहा है तो इन्हें करके आप लोग चला सकते हो। अगर आपका पीसी इसके लिए कैपेबल नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कैपेबल होगा, अच्छी खासी रैम प्रोसेसर होगा तो चल जाएगा। और दोस्तों इतना करने के बाद भी नहीं चलता है तो एक बार आप लोगों को अपने पीसी को रीसेट कर देना है फैक्ट्री मोड में।
तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले को क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को दोस्तों हमारे जो भी नए नए वीडियोज आएंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।